हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ज्योति आसवाल एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टा नॉलेज में। दोस्तों, सावन का महीना अब शुरू होने ही वाला है एंड सावन में यदि आपने झारखंड में देवघर नहीं घूमा तो क्या घूमा। एंड अगर आप देवघर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं सावन के महीने में या फिर किसी भी महीने में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 प्लेसेस ऑफ देवघर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है जहाँ आपको ज़रूर घूमना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से वे प्लेसेस। तो पहला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है बैद्यनाथ धाम टेम्पल। आपको पता होगा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर में भी है। यह शिव का मंदिर 72 फीट लंबा है और यह कमल के आकार है का है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। यहाँ पर सावन के महीने में बहुत ही खूबसूरत मेला लगता है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं सावन के महीने में, और ऐसे भी आप यदि आना चाहें तो आप आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह पेरा गली शिव गंगा मोहल्ला देवघर में स्थित है। दूसरा टूरिस्ट प्लेस है हरीला जोड़ी। इसे रावण जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें भगवान विष्णु रावण से मिलते हैं, और जहाँ पर रावण विष्णु को शिवलिंग देता है ये वही जगह है। यह बैद्यनाथ धाम टेम्पल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा टूरिस्ट प्लेस है सत्संग आश्रम। यह ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भक्तों का पावन स्थान है। यहाँ पर अनुकूल चंद्र जी का आश्रम है। यह सत्संग नगर देवघर झारखंड में स्थित है। चौथा टूरिस्ट प्लेस है बासुकीनाथ। यह भी भगवान शिव के मंदिर के लिए ही जाना जाता है। यह बैद्यनाथ धाम से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सावन का भव्य मेला लगता है। यहाँ पर भी श्रद्धालु, जिन्हें कि बोलबम डाकबम के नाम से जाना जाता है, वो लोग सावन के महीने में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ भी आते हैं। यह दुमका देवघर रोड नियर जरमुंडी देवघर में स्थित है। पांचवा टूरिस्ट प्लेस है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। यह बिल्कुल बेलूर मठ की तरह दिखता है। यह एक स्कूल भी है जहां पर आप 12th तक की पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पर बस साइंस स्ट्रीम ही अवेलेबल है और यह सिर्फ लड़कों का ही स्कूल है। यह देवघर कॉलेज रोड रामकृष्ण नगर देवघर में स्थित है। छठा टूरिस्ट प्लेस है नौलखा मंदिर। यह बैद्यनाथ धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह 146 फीट ऊंचा मंदिर है, और इसे बनाने में लगभग 9 लाख का खर्च आया था, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहते हैं। यह करनी बाद देवघर में स्थित है। सातवां टूरिस्ट प्लेस है त्रिकुट हिल्स। यह 3 पहाड़ों का समूह है जो कि 1350 फीट ऊंचा है, और यह बरसात के मौसम में बादलों से घिरा रहता है। आप यहाँ पर जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ पर छोटे मोटे झरने बहते हुए देख सकते हैं, और यहाँ का जो सबसे खास है वो है रोपवे, जिसका उपयोग आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए कर सकते हैं। आठवां टूरिस्ट प्लेस है नंदन पहाड़। यह भगवान शिव के शिवाड़ी नंदी का फेमस मंदिर है, और यहाँ पर एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे राइड्स लगे हुए हैं जिसमें कि आप अपने बच्चों को सैर करवा सकते हैं, यहाँ पर छोटी मोटी पिकनिक्स मना सकते हैं। नौवां टूरिस्ट प्लेस है जलसार चिल्ड्रन पार्क। यह भी बच्चों के लिए फन पार्क टाइप का ही है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स लगे हुए हैं जैसे कि सी सॉ, वंडर व्हील एंड टॉय ट्रेन। यह शिव गंगा मोहल्ला देवघर में स्थित है। दसवां टूरिस्ट प्लेस है जैन म्यूजियम। यह झारखंड के बाकी म्यूजियम के कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको तीर्थंकर्स की कहानियाँ एज पिक्चर्स एंड मॉडल्स के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। यह मधुबन मेन रोड मधुबन में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे 10 टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ पर घूमने का सबसे सही समय होता है सावन का महीना, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ पर भीड़ अच्छी खासी रहती है और आप इसका सही लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पर। और यदि आप आना चाहें तो वैसे तो आप किसी भी महीने में यहाँ आ सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट मुझे ज़रूर बताइए कि ये सारे प्लेसेस आपको कैसे लगे, एंड इन सब में से कौन सा प्लेस आपको सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइए। एंड इन प्लेसेस में से अगर आप किसी प्लेस में पहले जाकर घूम चुके हैं तो उसका रिव्यू भी मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।